हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो उसमें भी मेनली कौन सा जो फ्लावर होता है, फूल जो होता है उसके स्ट्रक्चर जो किस टाइप की होती है। अब देखिए, मैंने लास्ट में वहाँ पे कहाँ पे छोड़ा था, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोला था, मैं वहीं पे छोड़ूंगी ताकि उसके अंदर मैं आपको क्या समझा सकूँ, अगला जो रिलेटेड टॉपिक है मैं आपको उसके बारे में समझा सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कौन सा जो मादा जननांग होता है, मतलब जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसकी एक इकाई क्या कहलाती है, अंडक बोलते हैं उसकी एक इकाई को, एक इकाई यानी कि उसकी यूनिट क्या हो गई, अंडक। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, वही तीन भाग हो गए, बारी बारी से मैं लिखवा देती हूँ आपको। पहला आता है ओवरी या अंडाशय, कौन सा भाग है ये, ये वो नीचे का फूला हुआ भाग, नीचे का फूला भाग। ठीक है, हो गया, नीचे का फूला हुआ भाग क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, बीजांड प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या हो गया, बीजांड, और उसके रूप में किसके रूप में काम करते हैं, ये मादा युग्मक के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक बीजांड जो होता है इसमें क्या, एक मादा युग्मक। ठीक है, आई बात समझ में, मादा युग्मक के रूप में क्या से, अंड जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है प्रत्येक बीजांड में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अंडाशय का दूसरा पार्ट, हम कौन सा लेते हैं, स्टिग्मा, सॉरी वर्तिका। देखिए जो पार्ट कौन सा, जैसे जो स्टिग्मा वाला भाग होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, एक लंबी नली का अंडाशय ऊपर एक लंबी नली का जैसे संरचना क्या होती है, वो वर्तिका होती है। पहले वर्तिका देखते हैं हम ताकि हमें ये याद रहे इसीलिए, या स्टाइल बोलते हैं उसको, स्टाइल या वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिका किसको बोलेंगे, जो अंडाशय से ऊपर नली वाला जो भाग है, अंडाशय से ऊपर की ओर। अंडाशय से ऊपर की ओर वो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, नली जैसा पार्ट जो होता है, क्या निकलती है, एक लंबी नली, क्या बोलते हैं उस नली जैसी संरचना को, उसको स्टाइल बोलते हैं। नली के जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उसको स्टाइल बोलते हैं, उसको वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरे भाग के बाद आते हैं, वर्तिका का जो अगला वाला भाग होता है, नेक्स्ट आता है स्टिग्मा, कौन सा पार्ट आता है, स्टिग्मा या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, वर्तिकाग्र। मतलब इसको, ये कौन सा पार्ट हो गया, सबसे ऊपर ऊपर का जो भाग था वो कौन सा था, वर्तिकाग्र था, वर्तिका का शीर्ष भाग, वर्तिका का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। वो स्ट्रक्चर बताई नहीं थी आपको, इस टाइप की, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर थी वो किसकी थी,
इसकी स्ट्रक्चर थी ये, यही तो थी, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाई अंडाशय, ठीक है। अब तो आपका समझ में आ गया कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज जनरली ये आपको ध्यान रखने इसके अंदर। अब देखिए ये तो बात हो गई कि इस जो फ्लावर होता है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है। अब नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मेरे को बात करनी थी, मतलब जैसे अब जो हम यहाँ पे मेल पढ़ा, हमने फीमेल पढ़ा, वो हमने किस लिए पढ़ा, इसके अंदर जो प्रोसेस होगी मेन इम्पोर्टेंट उसी के लिए पढ़ा। तो आगे कौन सी प्रोसेस आती है, पोलिनेशन, पोलिनेशन या को आप क्या बोलते हैं इसको, परागण, परागकण है नी, परागण, वो किसको बोलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे जो प्रोसेस बोलते हैं, मतलब मेल फीमेल का फ्यूजन, वो जनरली वो क्रिया क्या होती है, वो मतलब ऐसे फर्टिलाइजेशन के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, मतलब फ्लावर होगा उसके अंदर जो जैसे उमंग है, जायंग है, मतलब ये है, परागकण बनेंगे, पुंग केसर गए, स्त्री केसर बनेंगे, तो इनके अंदर जो प्रोसेस मेनली होती है उसको क्या बोलते हैं, हम परागण बोलते हैं। किसको बोलेंगे हम परागण, इसके अंदर क्या होगा इनके, जब पुष्प के अंदर क्या बन रहा है, परागण, पुष्प के परागकणों का, पुष्प के परागकणों का, कौन से पुष्प के हैं, ये नर के हैं, मतलब मेल का जो होगा, मेल के जो पोलन ग्रंथि होते हैं उनका कहाँ जाना, जो मादा होती है यानी कि जो फीमेल होती है, उस फीमेल के कौन से पार्ट पे, ये वाला जो हिस्सा होता है, कौन सा है, सबसे आगे वाला वर्तिकाग्र के स्टिग्मा पर जाना, क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, जो पुष्प होता है उसमें से पुष्प के नर के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण होते हैं, उन परागकणों का जो पुष्प होता है उसके जो वर्तिकाग्र वाला पार्ट होता है उस पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होगी, ये छोटी छोटी चीज़ जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया तो आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ इसको प्रेस कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियोस को लाइक करोगे शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट कोर्स और भी सीक्वेंस साइज प्रोवाइड करवा पाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ना ज़्यादा कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे बैठ के आराम से ऑनलाइन पूरा मैटर मिलेगा। आप इंटरनेट पढ़े की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जाकर देखिए जितने भी चैप्टर डाले हैं उनका कंप्लीट मैटर डाला है, सीक्वेंस वाइज डाला है, ठीक है। इसलिए आप पूरा मैटर यहाँ से पढ़ सकते हो और सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए ताकि कंप्लीट सिलेबस चैप्टर टू चैप्टर आपको मिलता रहे। देखिए ये तो बात हो गई कि परागण हमने बोला, पोलिनेशन जिसको हमने बोला कि वो पोलिनेशन होता क्या है, वो परागण होता क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि परागण हम किसको बोलेंगे, किस प्रोसेस को बोलेंगे परागण, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा, हमने शुरू में अब ये तो प्रूफ हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कैसे मेल फीमेल का बात करी हमने, उसका वहां तक जाना, दोनों का फ्यूजन होना, वही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, नर और ये जो मादा युग्मक होते हैं इनका मतलब पहुंच गए, परागण का मतलब होता है वहां तक पहुंचना। अब क्या होगा जब वहां पे मेल पहुंच गया है फीमेल तक, तो क्या होना, फ्यूजन तो होना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, परागण के अंदर लिखवा रही हूँ मैं, परागण के बाद, परागण के बाद क्या होगा कि जो मेल और फीमेल होंगे, मेल और फीमेल इनका क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा, जिसके बाद में फीमेल के, मेल और फीमेल। अब देखिए परागण से मतलब ये वाला पार्ट कौन सा था, अब जो परागकण है वो यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, उनको क्या करना है, जो हमने मेन प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन जिसको हम बोल रहे हैं उस रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है।
अब देखिए इसके अंदर ये बात ओवरी के अंदर क्या होगा, मेल और जो फीमेल होते हैं उनका फ्यूजन होता है, ये प्रोसेस होती है। किसके अंदर होती है ये प्रोसेस होती है जिसे जो पोलिनेशन की क्रिया हमने बोली है, परागण, जिसको होता है कि कन्फ्यूजन होने, एक चीज होती है परागण, दूसरा होता है परागकण। पराग कोष के अंदर बनते हैं परागकण जो मेनली यानी पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसको लगभग कंप्लीट करते हैं। और परागण क्या होती है, ये क्रिया मतलब पराग कणों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, क्या क्रिया की जा रही है वो फीमेल के, परागकण क्या है मेल के रूप में, मेल के जो गेमेट्स होते हैं उसके रूप में काम करते हैं, जबकि जो स्त्री यहाँ पे हम कापू पहुँचना कहा है इनको, इनको फीमेल वाले पार्ट तक पहुँचना है, इनको जो मादा वाला भाग है वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ तक जाना क्या होता है परागण। ठीक है, परागण में कौन पहुँचेगा, परागकण पहुँचेंगे। ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, देखिए परागण के बाद में क्या होगा, मेल और फीमेल का फ्यूजन मतलब उन दोनों का मिलन होगा। अब तो हो गया पूरी तरह से कंफर्म किया क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, परागण की प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब उसका परागण हो रहा है, मेल फीमेल का मतलब उनका फ्यूजन हो रहा है। अब ये जो फ्यूजन होता है ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि देखिए परागकण है फ्लावर के अंदर, वो क्या पता कब बाहर आएंगे, वहाँ से कब निकलेंगे, फीमेल के अंदर कब पहुँचेंगे, कैसे क्या प्रोसेस होगी, तो वो सबके अंदर अलग तरीके से, जोर की हवा आती है प्लांट टूट भी जाता है, जोर की हवा से कई बार वो उड़ के भी चले जाते हैं, कुछ जो कीट बैठते हैं उनके ऊपर वो कीटों से भी चिपक जाते हैं। तो हम इसकी बात करें यहाँ पे कि जो परागण है ये किस किस तरीके से हो सकता है, उसकी बात हम करते हैं। देखिए परागण किसके द्वारा हो सकता है, पहला तो मैंने बताया वायु के द्वारा, वायु के द्वारा कैसे, हवा चल रही है परागण है, वहां से क्या हो गया तेज हवा के कारण वहां से फ्री हुए और कहाँ पहुंच गए, जो मतलब फीमेल वाला पार्ट था वहां तक चले गए। ये तो क्या होता है वायु के द्वारा क्या चलेगा, उड़ के, और सबसे बड़ी बात तो क्या होता है बहुत हल्के होते हैं, उसके साथ में क्या चले जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस तो होती है वायु के द्वारा, बार बार से बताती जाऊंगी और उनके एक्सप्लेनेशन आपको बताती जाऊंगी। देखिए वायु जो होती है उसके द्वारा उड़ के क्या जाते हैं, परागण हल्के होते हैं, ये जो परागण की क्रिया है वो वायु के द्वारा होती है, परागण कैसे होते हैं हल्के होते हैं, उड़ करके क्या चले दूसरे स्थान पर चले। और अगर मान लीजिए कई बार कैसे प्रोसेस होते हैं, बीजाणु है या फिर परागण है, अगर एक ही जगह पे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो वहीं पे बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे जो वो सारे उग जाएंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उनके अंदर कॉम्पिटिशन होने लगेगा, प्रतिस्पर्धा जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगी, इसलिए क्या उड़ के दूसरी जगह पे अलग चलेंगे। अब वहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां मिली तो वहाँ पे क्या हो गया, अंकुरण हो गया, वो प्रोसेस ऐसे सीन के अंदर होती है। परागकण है वायु के द्वारा उड़ के कहाँ पहुँच के, दूर पहुँच के, और तब जब उनका फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे तो वो क्या होता है, वो वायु के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट आता है कीटों के द्वारा, इसको हम क्या बोलते हैं, कीट परागण बोलते हैं। और ये वाला कौन सा परागण था, वायु द्वारा, वायु परागण था। ठीक है, ये कैसे होगा, देखिए कीटों का मतलब कीट जो आएंगे वो कहाँ पे बैठ जाएंगे, ये जो परागकण वाला जो पार्ट है मतलब जो पुंकेसर वाला जो हिस्सा है वहां पे बैठेंगे, तो वहां पे परागकण रहेंगे, परागकण से ऊपर है इसीलिए तो ऐसा ऊपर वाला पार्ट होता है, पराग कोष के अंदर बनते हैं, वहां से क्या होते हैं चिपक जाते हैं। अब वो कीट किसके ऊपर बैठा था, वो ही कीट तो बैठा था मेल वाले पार्ट पे, अगर वो जाके कहाँ बैठ जाए, वर्तिकाग्र वाले पार्ट पे बैठ जाए, तो उससे क्या चिपक जाते हैं वो परागकण, और वो क्या फिर परागकण उसके ऊपर झड़ जाते हैं, वो तलके होते हैं थोड़ा सा उड़ के वापस के ऊपर क्या हो गया, झड़ गया। तो अब क्या होती है ये प्रोसेस, अब जो प्रोसेस होती है वो परागण की क्रिया होगी, लेकिन कौन सा परागण है, कीट के द्वारा, तो ये कौन सा कीट परागण, कौन सा कीटों के द्वारा होने वाला परागण, कीटों के द्वारा होने वाला परागण क्या होता है, कीट परागण होता है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट इसके द्वारा अगला आता है, इसमें जल परागण भी होता है, क्या होता है इसके अंदर, जल परागण, यानी कि जल के द्वारा भी क्या कर देते हैं, वो बहके भी चले जाते हैं, या फिर कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें वो अपने आप भी चले जाते हैं, अपने आप ही उनमें क्या हो गया, प्रस्फुटन हो गया। तो ये जो क्रिया होती है वो स्वतः करांतर हो गई, स्वतः परागण हो गया, अपने आप ही हो रही जो प्रोसेस उसके अंदर, वो कौन सा होगा, स्वतः। तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, जो परागण की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है किसके अंदर, जो फ्लावर होता है उसके अंदर। तो ये जो छोटे छोटे चीजें मैंने डायरेक्ट टर्म्स लिखवा के कि किसको बोलते हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चर टाइप किस टाइप की होती है, ये एक एक वर्ड जो है वो सीधा इसलिए मैं लिखाया कि ताकि आपको कुछ ऐसा रटना नहीं पड़े, थ्योरी नहीं पढ़नी पड़े, डायरेक्ट आप देखो और आपको यहाँ से मिल जाए।
उसके बाद में फ्यूजन होते हैं। वायु परागण किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा होगा। कीट परागण कीटों के द्वारा। जल परागण जल के द्वारा। स्टिग्मा क्या होता है? स्टेल क्या होता है? ओवरी क्या होता है? तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है किसके अंदर, कि जो परागण की क्रिया होते हैं उसके अंदर। अब ये तो चीज हो गई इसके अंदर। अब आज बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की। आपको ये बताना है कि हम जो है एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब पढ़ते हैं। इस चीज के बारे में आपको बताना है, जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो एक मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का रिप्लाई क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई .com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको इंटरनेट पढ़ाई .com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।